कहा जाता है पुरस्कार सभी को खुशी देते हैं, सम्मान और उसकी चमक से सराबोर होकर हर किसी को सुकून मिलता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय नोवा ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2023 के तीसरे दिन के दूसरे सत्र में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल अवार्ड का भव्य आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर आफ्ट यूनिवर्सिटी एंड प्रेसिडेंट ICMEI, शिनिशा पाविक एम्बेसडर ऑफ सर्बिया, सुशील भारती फेस्टिवल डायरेक्टर मौजूद रहे। कार्यक्रम में पुष्प गुच्छ भेंट कर अतिथि गण का स्वागत किया गया। फूड फेस्टिवल से कार्यक्रम की शुरुआत हुई जिसमें सर्बिया के प्रसिद्ध क्यूजीन का प्रदर्शन हुआ और अतिथि गण द्वारा इसका स्वाद चखा गया। डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर आफ्ट यूनिवर्सिटी एंड प्रेसिडेंट ICMEI ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा ये पुरस्कार उन सभी लोगों को बढ़ावा देने और उजागर करने के लिए गठित किया गया था जिन्होंने भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने में पर्याप्त योगदान दिया है। उन्होंने कला और संस्कृति को संरक्षित और बढ़ावा देने में इन व्यक्तियों के व्यापक प्रभाव पर जोर दिया है। आपको बता दें कि कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सबसे प्रतिष्ठित अटल बिहारी नेशनल अवार्ड प्रदान किया जाता है। इसमें पंडित रामदयाल शर्मा, कृष्ण कन्हाई, उस्ताद अकरम खान, समीर शीतला पांडे, कुमारी सोमा शेखरी, सितेश आलोक, डॉली डबराल, आदित्य आर्य, देवेंद्र राज अंकुर को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कवित्री डॉक्टर रमा सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। साथ ही पुरस्कार विजेताओं ने बेहद गरिमामय तरीके से अपने दिल की बात रखी। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में फेस्टिवल डायरेक्टर सुशील भारती द्वारा अतिथिगण और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। As you mentioned that food defines one's individual personality, can you just elaborate this line for us? Some kind of positive shock with this afternoon because we had so wonderful events organized by Mr. Sandeep Marwa and his collaborators, and just at the end that promotion of national cuisine. So we'll try to make a fusion of my words I used during both events. You know, there is a story about the construction of Babylon Tower, saying that God was scared that people, if they speak universal language, will put in danger his supreme position and will access this. खुशी का दिन है। हम लोगों ने 6वां अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल अवार्ड फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर का यह कार्यक्रम अभी संपन्न किया है। देश से के कोने कोने से आए हुए महारथी, महानुभवी, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में, अपने अपने क्षेत्रों में एक बहुत ऊंचा मकाम हासिल किया है, उन्हें आज इस मंच से सम्मानित किया गया है और उन्हें सम्मान देकर आज हम खुद सम्मानित महसूस कर रहे हैं। माहौल बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। ऐसे बड़े बड़े महानुभवियों के आने से मारवा स्टूडियो का प्रांगण आज नई एनर्जी से फिर एक बार भर उठा है। ऐसे कार्यक्रम को देखना भी अपने आप में एक पवित्रता का संदेश होता है। जिन लोगों ने जिंदगी अपनी उन कलाओं को दे दी जिसको सीखने के लिए ही कई साल लग जाते हैं, और कोई 30 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल से इन कलाओं और इन क्षेत्रों में व्यस्त है, मस्त है, और उसने वो मकाम हासिल किया है जिस पहाड़ की चोटी पे पहुंचना आसान ही नहीं, अत्यंत मुश्किल है। मैं तहे दिल से इन सभी अवार्डीज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इसमें एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 8 अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल अवार्ड फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर का आज हम लोगों ने यहां पर प्रेजेंटेशन की, और सर्बिया के अम्बेसडर यहां पर मौजूद थे जिन्होंने अपने कर कमलों द्वारा इस अवार्ड को इन सभी महानुभवियों को प्रदान किया। वह
तो महसूस हो रहा कि मैं सिलेक्ट हो गए, इतना सुंदर और प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त करने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी मैं पर्सनली जानती थी जब एमबी थे और प्राइम मिनिस्टर भी, और मुझे पता है वो दिल के बहुत बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और साथ में जो अन्य अवार्डीज है वो इतने बढ़िया कलाकार हैं। मैं खुद कलाकार हूँ, भरतनाट्यम कथक डांसर, और इनसे मिलना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा। मुझे विशेषकर डॉक्टर संदीप मर्मा और डॉक्टर सुशील भारती जी को धन्यवाद करना चाहिए कि मेरे को ऐसा सुंदर मौका मिला है। जब कार्यक्रम में आए हैं, आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत सुंदर आयोजन रहा, और मारवा स्टूडियो इसमें जो है आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और हर तरह से यहाँ पर बहुत ही हर तरह से सम्मान, जब से आए हम तभी से सम्मान मिल रहा है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे सम्मान मिलना बड़े सौभाग्य की बात है हमको। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, और यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सबके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स और डॉक्टर संदीप मारवा का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान दिया। और अगर मैं 98 और 97 में जाऊं तो मैं अटल जी से मिला बहुत अच्छे से ग्वालियर में एक फेस्टिवल में, और कभी कभी अच्छा भी लगता है कि अच्छा काम करने से अच्छे लोग मिलते हैं। जिस कला से मैं जुड़ा हुआ हूं, तबले से, लड़ाई घराने से, उस कला को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और कला का सम्मान हो रहा है। मारवा साहब इतने अलग अलग क्षेत्र के कलाकारों को, राइटर्स को, थिएटर में, आर्ट एंड कल्चर में सबको सम्मानित कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये कला का सम्मान है, आर्ट एंड कल्चर का सम्मान है। हम लोग तो आते जाते रहेंगे, कलाकार तो आते जाते रहेंगे, लेकिन ये जो आर्ट और कल्चर हमारे हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है ये यहीं रहेगा, और इसको आगे हम लोगों को बढ़ाना है। मैसा एसएस डोगरा, आई एम जर्नलिस्ट, ऑथर एंड फिल्म मेकर। टुडे माय बुक लॉन्च रेंडेवू, दैट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ 75 इंटरव्यूज टेकन बाय मी ड्यूरिंग माय 28 इयर्स ऑफ जर्नलिज्म एक्सपीरियंस, एंड ऑल दिस इंटरव्यू कंडक्टेड फॉर डिफरेंट मीडिया हाउसेस, and presently I'm also bureau chief for globally acclaimed magazine that published from Kathmandu, Nepal, Himmalini, that is otherwise in Hindi, but as far as my career in authoring book, this is my fourth book on media education, and it has a collection of 75 interviews from different fields like sports, academics, education, agriculture, बॉलीवुड, सिनेमा।